परछाई को इंग्लिश में बोलते हैं शैडो, शेड या रिफ्लेक्शन। मतलब यह होता है इंग्लिश में कि समवन और समथिंग नॉट लुकिंग प्रॉपरली, इट सीम्स लाइक ग्लिम्प्स अ डस्की अपियरेंस। मतलब यह होता है परछाई उस चीज़ को बोलते हैं, किसी की छाया होती है, रिफ्लेक्शन होता है, अक्स होता है, प्रतिबिंब जिसको बोलते हैं, जो प्रॉपरली नहीं दिखता उसको हम परछाई बोलते हैं। मतलब ऐसा लगता है कोई एक झलक टाइप का दिखे, मतलब धुंधला सा दिखे, तो उसको हम परछाई बोलते हैं। हिंदी में अर्थ होता है परछाई का छाया, प्रतिबिंब या परावर्तन, और मतलब होता है किसी चीज़ के छाया या प्रतिबिंब बनने को हम परछाई बोलते हैं। परछाई शब्द को सेंटेंसेस में यूज़ करके और भी अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे कि बोलेंगे कि उसने पूरी ज़िंदगी ईमानदारी को अपना परछाई के साथ लेकर चलता रहा। मतलब ही केप्ट ऑन कैरिंग द ऑनेस्टी विथ हिज शैडो होल द लाइफ। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा इसी से रिलेटेड आपका, कि उन्होंने परछाई बनकर मेरा पीछा किया, पूरे रास्ते मेरी जासूसी की। मतलब हुआ इंग्लिश में, ही फॉलोड मी बींग माई शेडो, ही इंस्पायर्ड मी ऑल द वे। ठीक है, तो उम्मीद है आपने परछाई शब्द को हिंदी और इंग्लिश में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।